शुभोदय नारायणा, हिंदी लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आठवीं कक्षा का प्रश्न पत्र उसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए कक्षा आठवीं कक्षा विषय हिंदी, यहाँ पर परीक्षा चार, पाठ का नाम कौन, पाठ का नाम क्या है कौन। अब देखिए पहला रोमन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित चार प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए एक अंक है, कुल चार अंक है। अब देखिए पहला प्रश्न, पर्वत शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, सही उत्तर जो होता है उसे कोष्टक में लिखना है। देखिए पर्वत शब्द का अर्थ क्या है। ये पहाड़, बी मिट्टी, सी सोना, डी चांद। सही उत्तर है पहाड़, पर्वत का अर्थ है पहाड़, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए 22 को हिंदी अक्षरों में लिखिए, 22 को हिंदी अक्षर में। देखिए ये 23, बी 20, सी 22, डी 11। सही उत्तर है 22, सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, माँ खाना पकाती है, रेखा की शब्द का पुंलिंग शब्द क्या है। यहाँ पर देखिए माँ स्त्रीलिंग शब्द है, पुंलिंग शब्द हमें ढूंढना है। माँ, ये ऑप्शन बाप, बी ऑप्शन चाचा, सी ऑप्शन दादा, डी ऑप्शन काका। माँ स्त्रीलिंग, बाप पुंलिंग, देखिए ये ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, हमको दिशा दिखाता है, वाक्य में कारक चिह्न क्या है। देखिए वाक्य में कारक चिह्न है ये हम, बी को, सी दिशा, डी दिखाता है को, कारक चिह्न को, इसका उत्तर बी सही है। दूसरा रोमन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए तीन अंक है, कुल छह अंक है। नदियों को, पहला प्रश्न, नदियों को क्यों निर्मल कहा गया होगा। देखिए इसका उत्तर निर्मल, निर्मल का अर्थ है, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। निर्मल का अर्थ क्या है स्वच्छ है, निर्मल का अर्थ क्या है स्वच्छ है। अब देखिए नदियों की धारा पहाड़ों से स्वच्छ जल के रूप में निकलती हैं, यह निरंतर बहती आती है, निरंतर स्वच्छ जल इसमें मिलता रहता है। अब दूसरा प्रश्न, सूरज के बारे में दो वाक्य लिखिए, सूरज के बारे में दो वाक्य। देखिए उत्तर, सूरज जग को जगाता है, सूरज निकलने से सब लोग उठ जाते हैं, क्यों सवेरा हो गया है, इसलिए सूरज जग को जगाता है और सोने सा चमकाता है। और यहां पर और आने पर विराम चिन्ह नहीं है, और सोने सा चमकाता है, सोने सा चमकाता है। अब देखिए दो वाक्य लिखना है ना, एक को, दूसरा सूरज से